अटलांटिक के काले पानी में तैरते हुए एक बड़े नौसैनिक जहाज यूएसएस साइक्लोप्स की कल्पना करो। यह जहाज अपने विशाल आकार और रहस्यमयी आभा के साथ समुद्र की गहराइयों में खो जाने के लिए तैयार है। साल है 1918। पहला विश्व युद्ध दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। हर तरफ युद्ध की गूंज है और समुद्र में भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े ईंधन जहाजों में से एक साइक्लोप्स रियो डी जेनेरियो से बाल्टीमोर की ओर 300 से ज्यादा लोगों के साथ निकल पड़ता है। यह जहाज अपने साथ न केवल ईंधन बल्कि उन लोगों की उम्मीदें और सपने भी लेकर जा रहा है जो इस पर सवार हैं, और फिर वो गायब हो जाता है, बिल्कुल बिना किसी निशान के। यह घटना सभी को चौंका देती है और कई सवाल खड़े करती है। चलिए इस समुद्री रहस्य की गहराई में उतरते हैं। क्या हुआ होगा उस रात जब साइक्लोप्स ने आखिरी बार समुद्र की लहरों को चूमा था? साइक्लोप्स कोई मामूली जहाज नहीं था, यह अमेरिकी नौसेना के लिए एक अहम हिस्सा था जो गोला बारूद बनाने के लिए जरूरी हजारों टन मैंगनीज का अयस्क लेकर जा रहा था। इस जहाज का महत्व युद्ध के दौरान और भी बढ़ जाता है। इसका गायब होना न सिर्फ जानमाल का भारी नुकसान था बल्कि युद्ध के दौरान इसके गंभीर रणनीतिक नतीजे भी थे। इस घटना ने अमेरिकी नौसेना को हिलाकर रख दिया। साइक्लोप्स के गायब होने को और भी रहस्यमयी बनाती है संकट के संकेतों का ना होना। ना कोई SOS, ना कोई चेतावनी, कुछ भी नहीं। अनुभवी कैप्टन जॉर्ज डब्ल्यू वॉर्ली की कमान में आखिर कोई संदेश क्यों नहीं आया? क्या ये कोई भयंकर तूफान था? शायद जर्मन पनडुब्बी की साजिश या कुछ और अलौकिक? इन सवालों के जवाब आज भी अनसुलझे हैं। आखिरकार बरमूडा ट्रायंगल, जहां जहाज को आखिरी बार देखा गया था, ऐसे रहस्यों के लिए कुख्यात है। इस क्षेत्र में पहले भी कई जहाज और विमान गायब हो चुके हैं। बहुत खोजने के बाद भी मलबा तक नहीं मिला, ना ही कोई लाश। ये बात और भी रहस्यमयी बनाती है कि इतने बड़े जहाज का कोई अता पता नहीं चला। विद्रोह से लेकर ढांचे की खराबी तक, दुश्मन की गुप्त कार्रवाई से लेकर अलौकिक घटनाओं तक, सिद्धांतों की तो भरमार है, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से साबित नहीं हो पाया है। फिर भी अमेरिकी नौसेना का आधिकारिक रुख डरावना रूप से हार मान लेने वाला है, बस इतना कहते हुए कि कारण अज्ञात है। यह स्वीकारोक्ति इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। जैसे ही हम इन सिद्धांतों पर विचार करते हैं, यूएसएस साइक्लोप्स की कहानी समुद्र के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनकर रह जाती है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे। ये सागर की विशाल और क्षमाहीन प्रकृति की एक कठोर याद दिलाती है, और शायद उन रहस्यों की भी जिन्हें हमें अभी समझना बाकी है। समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्य हमें हमेशा आकर्षित करते रहेंगे। तो आपको क्या लगता है यूएसएस साइक्लोप्स के साथ क्या हुआ? अपने विचार बताइए और चलिए मिलकर जवाब खोजते रहें इतिहास के गहरे काले पानी में। शायद एक दिन हम इस रहस्य का पर्दाफाश कर पाएंगे।